और अगली बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी का विवादित बयान सामने आया है। चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले को स्टंट बताया है। चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, चन्नी कह रहे हैं। ये बीजेपी को जिताने का संविधान है। देखिए चन्नी जी, हां पंजाब के पूर्व सीएम हैं और अब पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ था एयरफोर्स के हमारे जवानों के ऊपर, उसे स्टंट बता रहे हैं चन्नी। ये विवादित बयान दिया और कहा कि चुनाव आने के बाद ऐसे स्टंट होते हैं, बीजेपी को जिताने का संविधान है, चन्नी ये कहते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात होती है, देखिए जहां देश के लिए जवान शहीद होते हैं वहां ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर सेना पर आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले के बाद सेना हाई अलर्ट पर है और आतंकियों की तलाश में सूरनकोट का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। शनिवार शाम भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स की एक गाड़ी को निशाना बनाया। अचानक हुए इस आतंकी हमले में जहां एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं आतंकियों की गोली का निशाना बने एयरफोर्स के चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे स्टंट बताया और कहा कि कोई हमले नहीं हो रहे। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। सुना आपने, ये अपने ही देश के बड़े मंत्री हैं, सेना पर हमले को स्टंटबाजी बता रहे हैं। चन्नी के बयान से कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सोच सेना के लिए क्या है, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। चन्नी यही नहीं रुके, चन्नी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं ऐसा करवा कर स्टंट खेले जाते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती, लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। सेना की शहादत और जवानों पर हुए हमले को कांग्रेसी नेता के स्टंटबाजी बताने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों के शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले करता है और यही पाकिस्तान यहाँ पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी देखना चाहता है, तो पाकिस्तान की सोच है कि किस प्रकार देश कमजोर हो और देश बटे, परंतु हमारी सेना सबल है और एक मजबूत और मकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। इससे पहले दशकों तक पाकिस्तान का राग अलापने वाले फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर आतंकवाद के पहनागार मुल्क पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे खत्म करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद, मैं आपको लिख के देता हूँ, खून से लिख के देता हूँ, ये बंद नहीं होगा। तो हमारे लोग सिपाही, उनके लोग और सिपाही मारे जाएंगे, क्या मिलेगा? चार जंगें हुई, चार जंगों में क्या बॉर्डर बदला? वहीं पे खड़ा है, मर हम रहे हैं। आपको बता दें जिस जगह ये आतंकी घटना हुई वो पुंछ का इलाका है, राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहां छठे फेज में 25 मई को वोटिंग है। ऐसे में इस बात की आशंका पुरजोर है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर में बहाल हुई शांति व्यवस्था से परेशान है। चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से अंजाम दिए इस आतंकी हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक
इस आतंकी हमले में 4 हथियारबंद आतंकी शामिल थे जिन्होंने सेना पर करीब 200 राउंड फायरिंग की। आतंकियों के निशाने पर आईएफ की 2 गाड़ियां थी जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जबकि दूसरी गाड़ी सेना की एक ट्रक थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जिस तरह पूरे सुरनकोट इलाके में नाकेबंदी की, बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटे आतंकियों को भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि इस आतंकी हमले ने पुलवामा की घटना को याद दिला दिया जो अब तक भारतीय सेना को आतंकियों का दिया गया सबसे बड़ा जख्म है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2023 से 24 के बीच हुए आतंकी हमले की बात करें तो साल 2023 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 48 आतंकी हमले हुए हैं जिसमें सिर्फ 2023 में 43 आतंकी हमले हुए। वहीं साल 2024 की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 2 महीने में 6 आतंकी हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देने में लगा है, लेकिन तय है कि सेना के जवान पूरी मजबूती से सरहद पार की नापाक साजिश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घाटी से आतंकवाद का खात्मा करके ही चैन लेने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो राम भक्त है वह राष्ट्रभक्त भी है, जो जितना बड़ा राष्ट्रभक्त है उतना बड़ा राम भक्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रखर राष्ट्रभक्त हैं और इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में रामलला फिर से विराजमान हो गए, अयोध्या की कायाकल्प हो गई, ऐसा मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। स्वाभाविक रूप से आज जो नई अयोध्या है, ये नई अयोध्या एक नई गाथा को हम सबके सामने भी प्रस्तुत करती है और कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अयोध्या में उपस्थिति पूरी दुनिया और पूरे देश के राम भक्तों को अभिभूत कर रही थी और इसलिए पूरी अयोध्या वहाँ उमड़ी थी, लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन थे, राम भक्त थे, वे सभी मोदी जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए उत्सुक थे और 1 लाख से ऊपर देश के भी अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन वे भी मोदी जी का 4 घंटों इंतजार करते किए और फिर मोदी जी का उन्होंने स्वागत किया। तो यह तो मैंने पहले भी कहा कि यह संबंध राष्ट्रभक्त और राम भक्त का है, जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस और दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के नरेला में भीषण आग लगी है, फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। जानकारी अभी नहीं मिल पाई है अनूप की किस वजह से आग लगी है। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, धुएं का गुबार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नरेला में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, फर्स्ट इन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लपटों में घिरी है ये, देखिए फैक्ट्री, धुएं का गुबार उठता दिख रहा है आपको।
फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। नरेला की तस्वीरें आपको दिखा रही है, एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग की लपटों के साथ धुएं का बड़ा गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश की जा रही जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। और दिल्ली के बाद गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ भी एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें की गई। रिपोर्ट देखिए। आग इतनी विकराल थी, उस फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार भी उठने लगा। इस घटना के बाद वहाँ हड़कंप मच गया। उस फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग पूरी फैक्ट्री में फैल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। सबसे पहले क्रेन की मदद से फैक्ट्री में मौजूद सामान को बाहर निकाला गया। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार शुरू की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग को बुझा लिया गया, लेकिन वहां मौजूद लाखों का सामान तब तक जलकर राख हो चुका था। फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी के अमेठी में कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। एक मिनट की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हमलावर शराब के नशे में थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह घटना उस वक्त हुई जब उनके कार्यकर्ता दफ्तर में मौजूद थे। जब बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर आ गए, लेकिन आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के जवानों के साथ बहस भी हुई, हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस उन हमलावरों को रोकने के बजाय सिर्फ देखती रही। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड की राजधानी रांची में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री आलमगीर आलम के दो करीबियों के घर छापा, अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, नोटों की गिनती जारी। मंत्री के निजी सचिव के घर पड़ी रेड, संजीव लाल के नौकर के ठिकाने से मिली 500 की कई गड्डियां और गहने। इंजीनियर विकास कुमार के घर चल रही है रेड। झारखंड के कैश कांड पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का दावा का 30 करोड़ से ज्यादा मिला कैश, नोटों की गिनती जारी। आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के शिरोमणि। यूपी के अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, मामले में कई लोग घायल हैं। पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, लश्कर के आतंकियों के तलाश में जुटी सेना। हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही इलाके की निगरानी, भारी संख्या में जवानों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों का एक्शन, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 16 मतदारों को हिरासत में लिया है। दो दिन पहले भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ था आतंकी हमला। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने पुंछ हमले को बताया चुनावी स्टंट। चन्नी ने बीजेपी पर बोला हमला का, जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी ऐसा ही करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का फिर छलका पाकिस्तान प्रेम। राजनाथ सिंह के पीओके के भारत में विलय की बात पर बोले फारूक ने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं पहनी है चूड़ियां। महाराष्ट्र के मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के समर्थन में किया